कमोडिटी मार्केट का रुख करने का। हमारे साथ केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है आज, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? कच्चा तेल 3 दिनों में 5% से ज्यादा टूट चुका है। गोल्ड भी अगर देखें तो 2000 के ऊपर कॉमेक्स पर जाने के बाद अब हल्की नरमी भी दिखी है। किस तरह की चाल आगे दिख रही है, कौन से टॉप ट्रेड होंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में हमने काफी वॉलिटिलिटी मार्केट में बनती हुई दी। इस वक्त भी ब्रांड देखे तो $90 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यू प्रेशर बन रहा है। नो डाउट जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो वैसे तो सपोर्ट मिलना चाहिए, बट पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने इसराइल से लेके कोई एस्केलेशन नहीं देखा है। मीनवाइल एनर्जी डिमांड को लेकर चिंता कंटिन्यू बनी हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ से जो डेटा पॉइंट आ रही है चाइना से, वो खराब आती हुई दिखाई, जिसके चलते मुझे लगता है जब तक कोई एस्केलेशन नहीं बढ़ता है इसराइल या मिडिल ईस्ट में, कच्चे तेल में थोड़ा दबाव रहेगा टेम्पररी। जहाँ पे 7180 पे बेचना चाहिए, 7280 का स्टॉप लॉस रखिए, 6950 तक के लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि 2000 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो अनलेस अनटिल कोई नई बड़ी न्यूज वॉर के रिलेटेड अगर नहीं आती है, तब तक हमें लगता है मार्केट थोड़ा सा साइडवे और प्रॉफिट बुकिंग के दौर पे रहेगा। बिकॉज ये हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो यहाँ पे हम देखेंगे, यूएस की इकोनॉमी डेटा आने, फेड रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें आगे का रणनीति मिलेगी। तो अनलेस अनटिल की लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है मार्केट में दबाव रहेगा। जहाँ पे सोने में 60,700 पे बेचना चाहिए, 60,850 का स्टॉप लॉस रखिए, 60,200 तक का लेवल जो कल हमने देखा था वापस रिटेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। एंड चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी 73,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो टेम्पररी पुल बैक चांदी में भी रहेगा। 72,250 पे बेच के चलिए, 72,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 71,200 तक के लेवल मिल सकते हैं। वहीं लास्ट में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो चाइना से कुछ डेटा पॉइंट अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी लोअर लेवल पे हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था, उसी को देखते हुए कॉपर और जिंक में बाइंग बनती है लिमिटेड टारगेट के लिए। 704 पे बाय कीजिए, 700 का स्टॉप लॉस, 710 का टारगेट रहेगा नवंबर वायदे में। जिंक के अंदर भी 220 पे बाय कीजिए, 218 का स्टॉप लॉस रहेगा, 222 से 223 तक का टारगेट देखने मिल सकते हैं। यानी आज के सत्र के लिए, जो आज के लिए इंट्राडे के लिए केडिया जी की कॉल है, यहां पर आपको गोल्ड बेचना है, चांदी बेचना है, क्रूड बेचना है, ये तीनों बेचने की सलाह है। जहां पर नीचे 60,400 तक गोल्ड आ सकता है, चांदी 71,600 से 71,200 तक, और कच्चा तेल 7,020 से 6,950 तक नीचे फिसल सकता है। स्टॉप लॉस भी बताए गए, उसका भी ध्यान रखिएगा। बेस मेटल्स में खरीदारी करनी है कॉपर और जिंक, आज के लिए ये दो ट्रेड। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।